हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर के कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए फटाफट जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप बहुत सारा पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, घर पे रहिए कोरोना वायरस से। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर, खुद घर पे रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट प्यारे बच्चों वेक्टर, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि चार इंपॉर्टेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये चारों बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि ये कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वेक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर से। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसा नाम से कैसा लग रहा है आपको कि यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर मीन वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड वन। द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन, सच वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन, नेवर चेंज। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन, ऑलवेज, ठीक, गेटिंग यू, ऑलवेज। इट हैव मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन। हाउ यू विल गेट यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर मुझे मिलेगा कैसे भाई? अगर मान लो कोई वेक्टर है एक्स, ठीक है, दिस इज द एनी वेक्टर, एनी वेक्टर, गेटिंग यू, एनी वेक्टर, एंड एक्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वैक्टर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, एक्स कोई वैक्टर है, एक्स क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं उस वैक्टर में डिवाइडेड बाई उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ, तो जो कुछ भी मिलेगा वो एक यूनिट वैक्टर मिलेगा, यूनिट वैक्टर, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, जैसा भी कोई वेक्टर है, तो उस वेक्टर में उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी, ठीक है। मतलब कोई वेक्टर है, अगर उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू वन मिलती है, और उसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, तो डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड, और इसको हम पढ़ते हैं ए कैप। प्रोनाउंसिएशन रीड एज ए कैप हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब देखो यूनिट वेक्टर की खास बात क्या है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मतलब वेक्टर एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स डॉट कैप, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अगर कोई आपके पास स्केलर है, समझिए, अच्छे से समझिए, x इज एनी स्केलर, एनी एनी स्केलर, ठीक है, कोई स्केलर है, तो किसी स्केलर में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ रहे हो आप, कोई स्केलर है, अगर किसी स्केलर में आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, अगर आपके पास कोई स्केलर है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एक कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा। बात समझ, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, केवल डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो है वो इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो अब 100 एक प्योर नंबर है, एक स्केलर है, मैंने इसमें कोई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर मान लो कोई एक कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये पूरा एक कंप्लीट वेक्टर बन गया जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, किसी स्केलर को वेक्टर बनाने के काम आ सकता है। कोई स्केलर है, उसमें एक से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। 1000 है, 1000 में एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 2000 हो जाएगा? नहीं है ना। तो कोई स्केलर है, उसमें एक से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना भाई, पर उसमें डायरेक्शन ऐड हो गया। यूनिट वेक्टर के बाद डायरेक्शन ऐड हो गया, तो वैल्यू तो उसकी वही रही, और डायरेक्शन ऐड होने से दैट बिकेम द कंप्लीट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होती है, और वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक बात, दूसरा पोर्शन बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस आर रिप्रेजेंट आर का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखो हमारे पास स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, समझो इसको। स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस ये हमारे पास थोड़ा सा बार बार हम रिप्रेजेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड है, अब देखो अगर कोई वेक्टर है,
अब मैं कोई वेक्टर लिखता हूं, वेक्टर पी, ठीक है, पी टेन आई कैप, टेन आई कैप, ठीक है, गेटिंग यू प्रॉपरली, तो टेन आई कैप, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जो भी वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर लगेगा, या मान लो इधर, ठीक है, माइनस एक्स है, ठीक है, तो माइनस एक्स क्या है, माइनस आई कैप, ठीक है, और जो भी वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा उसको मैं जे कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो निगेटिव निगेटिव वाई में लगेगा उसको माइनस जे से। अरे हुआ क्लियर यार, निगेटिव 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 वाई में माइनस जे, ऊपर प्लस जे, इधर प्लस आई, इधर माइनस आई, और बोर्ड के बाहर प्लस के, बोर्ड के बाहर प्लस के कैप, ठीक है, और बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर माइनस के कैप, माइनस के कैप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर z नाम का कोई वेक्टर है जो लिखा हुआ माइनस टेन z कैप, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि z कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10 होती है और जिसकी डायरेक्शन निगेटिव y एक्सिस में है। आ रहा समझ में, z कैप निगेटिव वाई एक्सिस, तो आई जे के कैप को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों, अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, समझ रहे ना, अगर मैं लिखता हूँ वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू टेन आई कैप माइनस टू जे कैप, तो इसका क्या मतलब है कि जो वेक्टर ए है वो दो वेक्टर से मिल के बना है, वेक्टर ए दो वेक्टर से मिल के बना है, एक का मैग्नीट्यूड 10 है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, और एक का मैग्नीट्यूड 2 है जो कि निगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये है प्लस टेन आई कैप, एंड ये मैं लिख सकता हूँ माइनस टू जे कैप। इन दोनों वेक्टर से मिलके बना हुआ वेक्टर ए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई जे के कैप स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बेसिकली दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, गेटिंग यू प्रॉपरली, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जीरो वेक्टर नल वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की आपको जरूरत क्यों पड़ी। व्हाई वी नीड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। देखो, चलो अभी हम इक्वल वेक्टर पढ़ के आए थे कि वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर बी के, वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर बी के। अगर मैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखता हूं, तो अब मैं यहां क्या लिखूं, ठीक है, यहां अगर मैं जीरो लिखता हूं, समझ रहे हो ना, जीरो लिखता हूं, तो इनकंसिस्टेंस आ जाएगा, बिकॉज इक्वलिटी ऑन दिस साइड देयर इज वेक्टर एंड वी आल्सो नीड टू राइट द वेक्टर इन दैट साइड, ठीक है, हमें इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे इधर वेक्टर लिखना पड़ेगा तो मैं जीरो नहीं, एक नया वेक्टर बनाते हैं आज से, जिसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो इस तरह से हमें फिजिक्स में नीड है, तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होती हो, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज जीरो होती है, और डायरेक्शन पॉइंटिंग वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंट ए वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड पॉइंटिंग इन एनी डायरेक्शन आर्बिट्रेटरी डायरेक्शन, डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटरी डायरेक्शन, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द नल वेक्टर इज रैंडम, वी कैन नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर दिस नल वेक्टर बिकॉज इट्स वैल्यू इज वन एंड द डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से, जरूरत क्यों पड़ी है, वाई वी नीड नल वेक्टर, आई एक्सप्लेन ऑलरेडी इट, टू रिमेन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द वैक्टर। नाउ लेट एस डिस्कस द सम नल वैक्टर इन फिजिक्स। द पोजिशन वैक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल इज नल वैक्टर, वी ऑलरेडी नो पोजिशन वैक्टर,
पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं किसी का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल यहां रहता है, ठीक है, और सीधे ओरिजिन से एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, सीधे ओरिजिन से लाइन ज्वाइन कर देते हैं, वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है, और ये पॉइंट पी है, दिस इज द पॉइंट पी एंड वी स्टैंड ऑन दिस ओरिजिन, ठीक है, समझ रहे हो आप, मैं ओरिजिन पे खड़ा हो जाऊं भाई, ओरिजिन पे खड़े हो जाओ और किसी चीज को देखो, तो जो तुम देखोगे जो मिलाओगे वो क्या हो जाएगा, जिसको मिलाओगे वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा भाई। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर हो गया तो इस पोजीशन वेक्टर को अब मान लो पार्टिकल पी यहां पे आ जाता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे है, समझ रहे हो, ये पार्टिकल ओरिजिन पे आ गया तो उसका पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, आर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो वही बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो वेक्टर, ठीक है। चलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन बॉल थ्रोन अपवर्ड बाय जीरो। सर देखो, अगर कोई बॉल है उसको मैं ऊपर फेंकता हूं, ठीक है, फिर वो वहीं आ जाता है, समझ रहे हो, अगर कोई बॉल है ये, यहां मैं, यहां से मैं किसी बॉल को ऊपर फेंका यार, ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद वो बॉल नीचे ही आ गया, ठीक है, ऊपर फेंका और वो बॉल नीचे आ गया, तो अगर वो बॉल नीचे आ गया, मैंने ऊपर फेंका और वो बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, सो वी कैन नॉट टेल दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इट इज बेटर, इट इज राइट वे टू टेल जीरो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऐसे क्वांटिटी फिजिक्स में, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड जीरो है, तो मैं जीरो बोलूं कि जीरो वेक्टर बोलूं, तो जीरो वेक्टर बोलना ज़्यादा सही है ना भाई, ऐसा बनाया गया। अब मान लो कोई बॉडी है जो जिस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो फोर्स जीरो, जीरो बोलूं, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं जीरो बोलूं कि जीरो वेक्टर बोलूं, भाई किसी पे फोर्स ही नहीं लग रहा तो मैं जीरो वेक्टर बोलूंगा, जीरो फोर्स बोलूंगा, जीरो वेक्टर फोर्स बोलूंगा, ज़्यादा अच्छा होगा। चलो, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ, अगर कोई बॉडी है जैसे ब्लॉक है, ठीक है, तो ये अगर ये ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक चला ही नहीं, एट रेस्ट है, समझ रहे हो, ये ब्लॉक क्या है, एट रेस्ट है यार, तो अगर एट रेस्ट है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, ठीक है, तो जीरो हुई कि जीरो वेक्टर हुआ भाई, जीरो वेक्टर है, वेलोसिटी इज वेक्टर, मोर एक्यूरेट, ज़्यादा सही लिखना, ये लिखना ज़्यादा सही है, पर कभी कभी ये हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो वेक्टर क्या होता है। चलो, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल स्पाइर विद पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। चलो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो, यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी है, पॉइंट पी, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, समझ रहे, यहाँ से इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, तो ये पोजीशन वेक्टर आर वन, पॉइंट पी वन, समझ रहे ना भाई, कुछ नहीं करना है, सीधे ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, ओरिजिन से जिस भी चीज़ को देख लोगे, ठीक है, अब देखते तो सीधा ही है ना हम, तो जिस चीज़ को देख लोगे, मैं ओरिजिन पे खड़ा हो गया, फैन को देख रहा हूँ, तो फैन का पोजीशन वेक्टर सीधे लाइन बना दो, ठीक है। चलो, तो ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया। मान लो अब यहाँ कोई पॉइंट है पी क्यू, तो ये जो पॉइंट है इसका जब पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर R2 आ गया, ठीक है। अब यहां पर मान लो दूसरा कोई पॉइंट है P3, ठीक है ना, F2 मान लो, तो यहां पे ये, यहां से जब लाइन मिलाओगे तो ये पोजीशन वेक्टर R3, समझ में आ रहा, तो ये R1, R2, R3 क्या, R1, R2, R3 आर पोजीशन वेक्टर, R पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी वन, पी टू, पी थ्री, ठीक है, ये जो, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं पी वन, पी टू, पी थ्री, इन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर। देखो, पोजीशन वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार,
पोजीशन वेक्टर सीधे ओरिजिन पे खड़े हो जाए, ओरिजिन से जिस चीज को भी देखोगे, मैं अभी ओरिजिन पे खड़ा होकर फैन को देख रहा हूँ तो ओरिजिन से सीधा एक लाइन बना दूं, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। मैं ओरिजिन पे खड़ा होकर किसी बल्ब को देख रहा हूँ कमरे में, तो मैं सीधे लाइन ज्वाइन कर दूं बल्ब से ओरिजिन के बीच, तो जो सीधा वाला वेक्टर होगा ओरिजिन टुवर्ड पॉइंट, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ओरिजिन टुवर्ड पॉइंट, वो क्या होगी, वही पोजीशन वेक्टर होगी। ठीक है, चलो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, अब इमेजिंग करो पोजीशन वेक्टर, फिर वही पुरानी कहानी, अब इमेजिंग करो कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये है 0,0,0,0। ये अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी वन, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ है। अब कुछ टाइम बाद पॉइंट मूव कर गया यहाँ पर, यहाँ पे आ गया पॉइंट पी टू, इस रास्ते से मूव कर गया। अब अगर इस रास्ते से मूव कर गया तो ओरिजिन से यहाँ जो लाइन मिलाऊंगा ये पोजीशन वेक्टर आर वन हुआ, और यहाँ से जो यहाँ लाइन मिलाया मैं तो ये पोजीशन वेक्टर आर टू हुआ। ये तो बात समझ में आ गया होगा, आर वन एंड आर टू आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब जब बॉडी ऐसे चला गया तो बॉडी ऐसे इधर आ गया, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि ये इनिशियल था, इनिशियल था और ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो होती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, और डेल्टा आर ही क्या है, डेल्टा आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मेरा YouTube पे मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, अगर आप उसको देख लोगे पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, पर पूरा देखना उसको। चलो, तो ये हम लोग आज के लेक्चर में हमने चार इंपॉर्टेंट वेक्टर समझे। कौन कौन से वेक्टर समझे बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये चारों वेक्टर क्लियर हैं। ठीक है, और इस वीडियो को बच्चों अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।